मुंबई इंडियन के लिए मुसीबतें यहाँ पे बढ़ गई है, क्योंकि मुंबई इंडियन का जो बेस्ट बॉलर था जोफ्रा आर्चर, वो यहाँ पे नहीं खेलेगा क्योंकि उसका भाई इंजरी है। मतलब मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रहा है, अभी कुछ महीने पहले वो इंजरी से वापस आया था और उसने बोला था कि मैं पूरा 100% फिट हूँ प्ले के लिए, लेकिन जैसे आईपीएल खेला आधा से ज्यादा मैच खेले, और मुंबई इंडियन का आज सबसे मेन मैच है जो कि आरसीबी के साथ है, और उस दिन वहां पे वो अवेलेबल नहीं रहेगा जोफ्रा आर्चर। मतलब इतने बड़ा धोखेबाज तो कोई है ही नहीं भाई, ये मैं मजाक से बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ मैं मजाक से, बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर सही में इंजर्ड है यहाँ पे, एंड जोफ्रा आर्चर अभी यहाँ पे नहीं खेलेंगे, वो भाई वापस जा रहे हैं अपना इंग्लैंड, एंड मुझे लगता है कि वो शायद एसएस आ रहा है उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए जाया गया है। अभी यहाँ पे बात आती है कि जोफ्रा आर्चर की जगह कौन खेलेगा, जोफ्रा आर्चर की जगह भाई अभी यहाँ पे है क्रिस जॉर्डन। जो क्रिस जॉर्डन है वो भी इंग्लैंड का प्लेयर ही है, और जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था, जिसमें इंडिया को उसने बहुत ही तगड़े तरीके से झटका दिया था, और विराट कोहली को एक यॉर्कर मार के उसने गिराया था। तो क्या वही यॉर्कर आज फिर से मारेगा जो क्रिस जॉर्डन है विराट कोहली को, या फिर विराट कोहली अपना छक्का चौका का बरसात दिखाएंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पे मुंबई इंडियन की बात करो तो मुंबई इंडियन यहाँ पे पिछला मैच सीएसके के अगेंस्ट हार गई है, और आज का मैच यहाँ पे आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियन, और आरसीबी भी अपना पिछला मैच जो है वो दिल्ली के अगेंस्ट हार गई थी। तो आज जो दोनों के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट मैच है प्लेऑफ में जाने के लिए। बाकी यहाँ पे उसके बाद सिर्फ 3 मैचेस बचे हुए हैं मुंबई इंडियन के भी और आरसीबी के भी। तो आज जो मैचेस में अगर हार जाते हैं, मान लो अगर आरसीबी हार जाती है तो आरसीबी यहाँ पे प्लेऑफ के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या फिर मुंबई इंडियन हार जाती है तो मुंबई इंडियन के लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा क्रिस जॉर्डन है यहाँ पे, जोफ्रा आर्चर बाहर चुके हैं, अब जोफ्रा आर्चर को यहाँ पे इंजरी है इसलिए बाकी के आईपीएल आगे नहीं खेलेंगे। तो अभी से यहाँ पे जितने भी आईपीएल का मैचेस होगा वो सब यहाँ पे क्रिस जॉर्डन खेलेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास समझ नहीं आती है, इतना ज्यादा पैसा लेने के बाद भाई आधा में आप छोड़ के यहाँ पे चले जाते हो, ये एक तरह से देखा जाए तो भाई गद्दारी वाली बात होती है टीम के साथ। बस कोई बात नहीं, यहाँ पे मुंबई इंडियन उसके अलावा भी बहुत तगड़ी टीम है, यहाँ पे बैटिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, बॉलिंग भी बहुत अच्छा है, बाकी पीयूष चावला तो है यहाँ पे टीम में, और आरसीबी की टीम भी बहुत ही तगड़ी है। देखिए क्या होता है, बाकी अपना राइट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आप लोग।